हाय गाइस एंड वेलकम टू सोनीस वर्ल्ड। तो फ्रेंड आज की जो होम रेमेडी है ना, वो आप चाहे टीनेजर हैं, चाहे आप 16 15 इयर्स के हैं, या आप 30 इयर्स के हैं, जाके मैं 30 इयर्स की नहीं हूँ, मतलब 29 की हूँ और 30 में अभी हो जाऊँगी जुलाई में, तो मतलब 29 या 30 के हैं, 30 प्लस हैं, 40 के हैं, 40 अबव हैं, हर किसी के स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको देगा ग्लोइंग स्किन देगा। एक तो आपके स्किन टोन को लाइटन करेगा, आपके स्किन को एक अच्छा एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन देगा, और आपके स्किन के जितने भी काले दाग धब्बे हैं उसे भी धीरे धीरे लाइटन करेगा, स्किन को बहुत ही साफ गोरा और बेदाग बनाएगा। क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन काफ़ी ग्लोइंग हो, यंग हो और गोरी हो, और साथ ही साथ इसमें किसी तरीके के दाग धब्बे ना हो। तो आज की होम रेमेडी हम सभी के लिए है, जो कि ये ग्लोइंग और हेल्दी स्किन एंड फेयर स्किन चाहते हैं, जो कि 2 से 3 इंग्रेडिएंट है जो हर किसी के किचन में अवेलेबल होता है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको चाहिए होंगे बादाम। ये मैंने बादाम लिए हैं, हमको सारी क्वांटिटी इक्वली ले रही हैं, 3 इसमें इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं, तो ये मैंने बादाम लिए हैं। और जो फ्रेंड हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है चिरौंजी। चिरौंजी आपने देखा होगा बहुत सारे स्वीट डिश में डलती है, लड्डू में डलती है, या आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप से मिल जाएगी, इसको चिरौंजी बोलते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है मसूर की दाल। ये मैंने गुलाबी वाली ली है, जो अक्सर हम दाल वगैरह बनाते यूज़ करते हैं, तो ये भी आपको हर किसी के घर में होती है। ये मैंने गुलाबी वाली मसूर की दाल ली है। तो फ्रेंड मैंने तीनों इंग्रेडिएंट इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं, और आप चाहें तो इसमें चावल इक्वल क्वांटिटी में चावल भी ले सकते हैं, पर मेरे पास चावल का आटा है तो मैं वो बाद में डालूंगी। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें चावल भी डाल सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, इन तीनों इंग्रेडिएंट को हम मिक्सी में पीस लेंगे, अच्छे से एक बारीक पाउडर बना लेंगे। तो फ्रेंड ये मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध, या आप कच्चा या बॉयल दोनों ही ले सकते हैं, या मैंने कच्चा दूध लिया है। और ये मैंने जिसमें बादाम था उसमें उसका जो डस्ट है, ये कोई गंदा दूध नहीं है। तो फ्रेंड मैंने इसे पूरी रात रखा था, ओवरनाइट रखा था, आप देख सकते हैं एक पेस्ट तरह का तैयार हो गया है। और अब ये टोटली ऑप्शनल है, मैं इसे फिर से मिक्सी में पीसूंगी ताकि बिल्कुल ये एक फाइन पेस्ट तैयार हो जाए क्रीम की तरह। तो इसको हम इसमें हम इसको मिक्सी में हम पीस लेंगे। अगर आपको चाहे तो आप इसमें ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं ताकि ईजिली मिक्सी में चल जाए, आसानी से पीस जाए। तो इसको मैं मिक्सी में पीसती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड ये मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये एक पेस्ट तरह का क्रीम तरीके की तैयार हो चुकी है। और हम इसमें डालेंगे अब चावल का आटा। आप चाहें तो चावल साबुत है तो इसमें साथ ही इसको पीस सकते हैं, पर मेरे पास पाउडर है तो मैं इसमें 1 चम्मच डालूंगी चावल का आटा। और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड ये हमारा एक हर्बल फेस पैक तैयार है, अब इसे हम अपने फेस पे लगाएंगे। तो फ्रेंड हमको इस फेस पैक की एक मोटी लेयर लगानी है, एक थिक लेयर लगानी है। अप्लाई अ थिक लेयर ऑन योर फेस। आपको ये फेस अच्छे से लगा लेना है, मोटी परत। तो फ्रेंड अब ये सूखना स्टार्ट हो गया है तो हम रोज़ वाटर से, टोनर से, या नॉर्मल पानी से, या फ्रेश एलोवेरा जेल से इसे गीला कर लेंगे, क्योंकि हमको ये फेस पैक आधा घंटे तक अपने फेस पे रखना है। तो फ्रेंड आधे घंटे बाद ये ड्राई हो चुका है, हम अपना हाथ गीला कर लेंगे, चाहे नॉर्मल पानी से, या एलोवेरा जेल से, या रोज़ वाटर से अच्छे से मसाज करेंगे 5 मिनट तक फिंगर टिप से। बहुत ही जेंटली आपको अपने फेस पे फिंगर टिप से मसाज करना है। फिर मसूर की दाल हमारे चेहरे का कालापन हटाती है, और बादाम हमारे चेहरे से झुर्रियाँ डार्क स्पॉट्स हटा के चेहरे को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है। साथ ही साथ ये हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज भी करता है, और अगर आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल है तो उसे भी ग्लोइंग बनाता है। और चिरौंजी भी हमारे चेहरे को गोरा करने के लिए बहुत ही अच्छी होती। तो फ्रेंड 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। तो फ्रेंड यू कैन सी क्लियरली कि मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग लग रही है। मेरा कुछ भी अभी फेस पे नहीं लगाया है, बस मैंने फेस पैक हटाया है। और फ्रेंड फेस पैक हटाने के बाद आप कोई भी टोनर ज़रूर लगाएं, चाहे आप रोज़ वाटर ले सकते हैं या फ्रेश एलोवेरा जेल ले सकते हैं, और अगर आपकी स्किन पिंपल प्रॉन है तो आप एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड आई होप मेरी आपको आज की होम रेमेडी पसंद आई होगी। फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इनफैक्ट ये मेरी नानी ने मुझे बताई थी ये होम रेमेडी, जो कि ये वो लगाती थी, उनकी स्किन काफ़ी मतलब
50 के बाद भी उनकी स्किन इतनी अच्छी थी ना कि जो बहुत ही सॉफ्ट और किसी तरीके के रिंकल्स वगैरह नहीं थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये होम रेमेडी आपके साथ भी शेयर करूं। तो फ्रेंड आपको तीनों चीज़ें इक्वल लेनी है, बादाम, चिरौंजी और मसूर की दाल। चिरौंजी आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप से मिल जाएगी, बहुत ही इजी होती है और ये आपने बहुत सारे जो मीठी जो स्वीट डिश होती है उसमें लोग डालते हैं। तो आपको इक्वल डालना है चावल का आटा, आप अगर आटा है तो आटा अलग से डालें या आप इसे इसमें चावल साबुत पीस भी सकते हैं। और फ्रेंड इस रेमेडी को भी आपको 2 हफ्ते तक लगाना है, 20 से 21 दिन तक आपको लगाना है। आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है। आपको कोई भी क्रीम नहीं लगानी, आप चाहें तो लगा सकते हैं, बट आपको अगर इसका रिजल्ट चाहिए तो आप इसको सिर्फ यही लगाएं। और मैंने आपको एलोवेरा जो जेल बताया है, अगर पता नहीं मैंने अपलोड किया है या बाद में 1-2 दिन में कर दूंगी, साथ में रात को आपकी वो ट्रीटमेंट चलेगी, दिन में आपको ईयरली ट्रीटमेंट करनी है, रेगुलर लगाना है। और इससे आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाएगी, डेड स्किन सारी निकल जाएगी और नई स्किन आएगी तो इतनी बेबी सॉफ्ट, तो आपको खुद ही अपनी स्किन से इतना प्यार हो जाएगा, तो आपको किसी भी क्रीम वगैरह लगाने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड आई होप मेरी आपको आज की होम रेमेडी पसंद आई होगी। फ्रेंड अगर आप ऑफिस गोइंग हैं या बिजी हैं तो ये आप पाउडर बना के रख लें, और इसमें आप बहुत सारा बना के रख लें, आप 2 से 3 चम्मच में उसमें दूध डालें, कच्चा दूध, उसको ओवरनाइट रखें, नेक्स्ट डे मिक्सी में पीस के एक फाइन पाउडर पेस्ट तैयार कर लें। और जब भी आपका ख़त्म होने वाला हो तो उसे 1-2 दिन पहले फिर से आप उसको दूध डालें और उसको ओवरनाइट रख दें। इससे क्या होगा, आपका एक बन ये पैच बनता रहेगा, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बनाएंगे तो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। मैक्सिमम आप इसे 2 से 3 या 4 दिन मैक्सिमम, क्योंकि सर्दियां हैं तो मैक्सिमम 3 से 4 दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप 2-3 दिन तक ही इसे ज़्यादा ना बनाएं, पाउडर बना के रख लें किसी ड्राई कंटेनर में, और जब भी आपका ख़त्म होने वाला हो तो 1 दिन पहले ही इसमें मिक्स करें दूध और कच्चा दूध, और उसे ग्राइंड करके अपने फेस पे लगा लें। एंड इसे आपको 30 मिनट्स तक अपने फेस पे रखना है, 30 मिनट्स लगाएं, अपना जो भी आपका घर का काम है, जो भी आपका नॉर्मल जो भी हाउस चोर्स हैं आप वो करें। और उसके बाद आप अगर आपको थोड़ा सा ये सूखा सूखा लगता है, क्योंकि ड्राई हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सूख जाती है स्किन, ड्राई होने लगती है, तो हल्का सा आप रोज़ वाटर लें और उसको अच्छे से गीला कर लें, और 30 मिनट्स के बाद रोज़ वाटर से ही या फ्रेश एलोवेरा जेल से ही अच्छे से आप मसाज करें। आपको रब नहीं करना, बस हल्के हल्के आपको जो हमारे फिंगर टिप्स होते हैं इससे आपको जेंटली, बहुत ही जेंटली, बिल्कुल हार्शली नहीं, बिल्कुल जेंटली आपको मसाज करके ये रिमूव कर देना है। आप देखेंगे कि 21 डेज़ बाद आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो आ गया है, और आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। 21 डेज़ इसलिए बोला क्योंकि 21 डेज़ में आप इसको एक्चुअल इसका रिजल्ट देख पाएंगे। 1 वीक बाद तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि कुछ तो हो रहा है, 14 डेज़ बाद आपको लगेगा कि हाँ हमारी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई है, और 21 डेज़ में आप अपना चेहरा देख सकते हैं, लोग ही बोलेंगे कि आपको कि आपने क्या लगाया है। सो आई होप मेरी आपको आज की होम रेमेडी पसंद आई होगी। मैं और भी अच्छे अच्छे कुछ उपटन्स वगैरह लाऊंगी, जो कि आपको, क्योंकि फेस से हम फेस का केयर करते हैं तो बॉडी का भी केयर करना उतना ही ज़रूरी होता है, तो वो भी मैं जल्दी लाऊंगी। सो आई होप मेरी आपको आज की होम रेमेडी पसंद आई होगी। फ्रेंड पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। सो मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई होम रेमेडी, नए DIY, नए किसी स्किन केयर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।